प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी चहेती अभिनेत्री पलकी मुंबई से। आज मैं जेके नेशनल न्यूज के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने रूबरू हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग लॉकडाउन में अपने अपने परिवार के साथ अपने अपने घरों में सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए आनंद पूर्वक होंगे और साथ ही अपनी इस पलक को भी अपनी पलकों पर जरूर बिठाएंगे। यदि ऐसा सच है तो मेरी कुछ बातें हैं आप लोगों के सामने, जो उसे आप लोग जरूर माने। तो चलिए मैं वो बताती हूँ कौन सी बातें हैं जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। सबसे पहली बातें वो है कि आप सभी लोग इस वक्त कोशिश करें कि अपने घर में ही रहें और घर से ज़्यादा ना निकलें। जरूरी होने पर घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर ही निकलें, मास्क लगाना ना भूलें। और हाँ, किसी भी वस्तु को छूने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज जरूर करें और कोशिश करें कि घर आकर स्नान अवश्य करें। भारत सरकार द्वारा दिए गए आरोग्य सेतु ऐप आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड अवश्य करें और हाँ, सही जानकारी पर सही सूचना ही उसमें डालें। याद रहे, गलत जानकारी व गलत सूचना आपके लिए और आप अपने देश के भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। हल्दी, धनिया, जीरा, लहसुन, दूध जैसे खाद्य सामग्री अपने खाने में जरूर शामिल करें ताकि आपकी रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने में मदद करे। और हाँ, गर्म पानी, चाय या फिर तुलसी की पत्ती, पुदीना, अदरक का काढ़ा बनाकर अपने घर के सभी सदस्यों के लोगों में जरूर उसे शामिल करें। तीसरी बात है कि आप सभी लोग भीड़ भगदड़ वाली जगहों पर एकत्रित ना हो और संयम से काम लें, धैर्य से काम लें। और आप सभी लोग इस वक्त जो आप धर्म को लेकर, जाति को लेकर अफवाह कर रहे हैं, वो सब बिल्कुल भी ना करें। सोच बदले, समझदारी का परिचय दें। और हाँ, थोड़े दिन की बात है, एक अंधेरी घनी छाया है जो जल्द ही छट जाएगी और एक नई सुबह हमारे देश में, हमारे आप सबके लाइफ में, जीवन में जल्द ही मुस्कुराएगी। तो घबराए ना, सब लोग मिलकर एक साथ होकर इन सब मुसीबतों का सामना करें। मेरी आप सब लोगों से यही विनती है कि आइए हम सभी लोग इस वक्त, इस दुख की घड़ी में हम सभी भारतीय एक संकल्प लें कि हम सभी लोग कोरोना में और हम सब की जंग में हारना कोरोना को है और जीतना हम सब को है, यानी जीतना हमारे पूरे भारतवर्ष को है। तो थोड़ी सी संयम लें, थोड़ा सा धैर्य रखें और अपने भगवान से ये प्रार्थना करें कि जो ये दुख की घड़ी, दुख की क्षण आए हैं हमारे जीवन में, आप सबके जीवन में, हमारे देश पर, वो जल्द ही उनकी कट जाए और नई सुबह एक कोरोना मुक्त खिलखिलाती हुई हम सबके जीवन में आए। यही सब मैं आप लोगों से इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की। तो ये सारी बातें आप सब लोग जरूर से जरूर अपने जीवन में अपनाएं। ध्यान रहे, अगर एक लोग भी मेरी इस बात को मानते हैं तो हजारों लोगों की जीवन बच सकती है, क्योंकि एक ऐसी महामारी है जो एक से हजार, हजार से लाख लोगों तक ये पहुँच सकती है। तो ऐसी गलती ना करें। सोच हम सबकी, सुरक्षा हम सबकी, हमारी जिम्मेवारी है। तो चलिए, इसी बातों के साथ अपने आप सब लोगों से विदा लेती हूँ। और हाँ, ध्यान रहे, अपनी इस पलक को हमेशा प्यार आशीर्वाद देते रहे और साथ ही जेके नेशनल न्यूज चैनल को भी अपना प्यार आशीर्वाद देते रहे ताकि आप सभी लोग नए नए खबरों के साथ साथ ही हमारे साथ आप सभी लोग जुड़े रहें। नमस्कार।